हेलो डियर्स, वेलकम टू द मिशन है नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, नोरसेट 2021 जिसके अंदर एम्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, टोटल 20 स्टूडेंट की एलोकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर क्वालिफाई हुए वह सभी कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। तो फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में जो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ems.delhi.ac.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप वहां से भी क्लिक कर सकते हो एज पर योर चॉइस। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें सबसे पहले जो ems.exam.ac.in है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट दिख रहा होगा, तो जैसे रिक्रूटमेंट दिखेगा इसके ऊपर रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, इसके नीचे एक नर्सिंग ऑफिसर नाम दिख रहा होगा, इस नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 2021 इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आईडी और पासवर्ड आपको लगाना है, कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड। अगर किसी पर्सन के पास कैंडिडेट आईडी नहीं है तो अपने एडमिट कार्ड से भी निकाल सकते हो। सेकंड थिंग्स, आप अगर मेल पे भी चेक करोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। आईडी लगाना है और पासवर्ड लगाना। कोई कैंडिडेट पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट लॉगिन डिटेल कर सकते हो, तो आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन आईडी कर सकते हो। इसके बाद में आप आईडी और पासवर्ड क्लिक कीजिए, उसके बाद कैप्चा क्लिक कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगी। फिर आगे का देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इंस्टीट्यूट एलोकेशन क्लिकर दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस पर्सन ने ऑलरेडी अपने रोल नंबर और एंटर पासवर्ड दिख रहा है, तो इन्होंने ऑलरेडी अपने पासवर्ड चेंज किए। अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो आपको कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड लगाइए और ओटीपी आपके मेल पे जाएगा, तो उन ओटीपी को आपको यहाँ लगा के आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड इजी बनाना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये भी हैं कि सर किस रैंक तक कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करना चाहिए, तो जो नोरसेट 2021 क्वालिफाई हुए उन सभी कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करना चाहिए। जैसे इसके ऊपर आपको क्लिक हो जाएंगे, क्लिक करना है। ध्यान रखना वो पासवर्ड अलग रहेंगे, ये पासवर्ड अलग रहेंगे। पासवर्ड जो बाहर वाले थे जो एम्स की साइट पे लॉगिन करने के लिए काम आएगा, जो पासवर्ड 2 है एम्स की एलोकेशन को लॉगिन करने के लिए काम आएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर और पासवर्ड लगेगा और नंबर 1 पे कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड लगेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे स्टेज 3 है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, अभी सिर्फ अपने को स्टेज 1 करना है। एक बात आपको यह बताना चाहूँगा कि आप पूछ रहे होगे मैसेज में कि सर कौन से रैंक तक मिलेगा, आपको फिलअप सबको करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि एसटी को कौन से रैंक तक फिलअप करना चाहिए, एसटी को कौन सा फिलअप करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए उन सबको फिलअप करना है, कंपलसरी नहीं है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना चाहिए। आपको एम्स अलॉटमेंट होता है नहीं होता वो बाद की बात है, लेकिन आपको चॉइस फिलअप करना है। ये फर्स्ट टाइम ही है, सेकेंड बार सेकेंड राउंड के लिए अगर आप फिलअप नहीं करते तो आपको सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो जैसे अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप सबसे पहले लिखा ऑल इंस्टीट्यूट, टोटल कितने इंस्टीट्यूट है 20। लिस्ट ऑफ अप्लाई इंस्टीट्यूट कितना है प्रीफ्रेंस में, टोटल अप्लाई कितना कर रहा है अभी 0। लेकिन मैं ऐसे ही बिल्कुल डमी के लिए आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आपको वही फिलअप करना है जो आपके घर के नियर हो या जहाँ पे आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। सेकेंड थिंग, कोई कैंडिडेट ऐसा बिल्कुल भी थिंक मत करे कि दूर के एम्स कोई जाना नहीं चाहेगा इसलिए मैं पहले फिलअप करूँ। आपको जो सबसे पहले नियरली एम्स है वही फिलअप करना है, क्योंकि कई बार इस कंडीशन में भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है। अब जैसे आप सेव या नेक्स्ट कर लोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार फिलअप करने के बाद में वापस चेंज नहीं होता है। सेकेंड बात, आपको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फिलअप करना है, क्योंकि इसके बाद में वापस मौका आपको नहीं मिलता है। सपोज आपने 4 एम सेलेक्ट कर लिए और चारों में से अगर नहीं मिला तो फिर आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। इसलिए है कि अगर आप इनमें से फिलअप करोगे, अगर आपने 15 एम्स फिलअप किया, 15 में से अगर आपको 15 नंबर भी मिल गया
तो सेकेंड टाइम के लिए भी आप एलिजिबल हो, सेकेंड टाइम में आपको ऊपर का एम्स भी मिल सकता है। तो एक बात माइंड में रखना, ऐसा बिल्कुल भी मत थिंक करना कि मुझे इतना दूर नहीं जाना इसलिए मैं फिलअप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, फिलअप पूरा करना है। जैसे फिलअप करोगे आपको केयरफुली देखना है, इसके बाद में करना है प्रोसीड। जैसे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर दो बार पूछा जाएगा कि आपको चेंज नहीं हो सकता है, स्टेज वन ये अपन कर रहे हैं। इसके बाद में स्टेज टू की बात अपन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन स्टेज वन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपको यहाँ पे आप प्रेफरेंस करोगे चेंज नहीं होगा, ये बार बार पूछा जाएगा, बिल्कुल लॉक हो जाएगा, इसको बिल्कुल भी केयरफुली आपको फिलअप करना है। जैसे आप फिलअप कर लोगे, फिलअप करने के बाद में ये आपकी लिस्ट दिख जाएगी। स्टेज फर्स्ट के अंदर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की नीड नहीं है, यहाँ पे आपको स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका स्टेप वन था। स्टेप वन के अंदर क्या है, आपको ये एलोकेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना। अब स्टेज टू में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको फिर भी आपको शॉर्ट व्यू में बता सकता हूँ कि जैसे ही एम्स की लिस्ट आ जाएगी उसको एज ए स्टेप टू माना है। और स्टेज थ्री क्या है, स्टेज थ्री वो है कि एम्स की लिस्ट आ गई, लिस्ट के बाद में आपको पर्टिकुलर एम्स अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे और इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करोगे, ये पूरे प्रोसेस स्टेज थर्ड के अंदर है। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और डियर इसका कम्प्लीटली आप फॉर्म फिलअप करने से पहले जो एम्स ने लेफ्ट साइड में जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो PDF है उन PDF को आप ज़रूर रीड करना। ये कम्प्लीटली डिटेल जो है आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप NORSET 2022 ESI DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिशन है नर्सिंग क्लासेस की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप बुक परचेस कर सकते हो, बुक से आप रीड कर सकते हो, बिल्कुल इजी वे बुक है ताकि आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए और आपके नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो जाए। नर्सिंग ऑफिसर के सभी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू डियर्स, ऑल दी बेस्ट। फिर भी इसके रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जैसे क्वेश्चन अगर ज़्यादा हो गए तो मैं उसका आंसर देने की ट्राई डेफिनेटली करूँगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि लेटेस्ट सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू डियर्स, ऑल दी बेस्ट।